आप सबका स्वागत है। आज हम 3 फरवरी की शुरुआत की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। परमात्मा पिता चाहते हैं कि जैसे उन्होंने कल बताया कि अमृत वेला कितना इम्पोर्टेंट है, अमृत वेला उठने से हमारे अंदर शक्ति आती है और वो शक्ति द्वारा जो भी हम कार्य करते हैं, सेवा सब यानी कि ब्रह्म कुमारी की सेवा, जो भी आप कार्य करते हैं उसमें आपके अंदर मनोस्थिति जो होती है आपकी बिल्कुल पावरफुल शक्तिशाली होती है और जो आप संकल्प करते हो वो पूर्ण हो जाता है बहुत जल्दी। चाहे वो सेवा हो, चाहे घर की सेवा हो, चाहे बिजनेस में हो कुछ काम, चाहे किसी भी चीज में हो, वो पूर्ण होता ही है। इसलिए परमपिता परमात्मा कहते हैं आज के वरदान में कि अमृत वेला से लेके अब रात तक करना क्या है, उसके कुछ मर्यादाएं हैं जिनको फॉलो कर अगर आप तो आप सफल रहेंगे और पूरे दिन आपको निर्विघ्न फील होगा, आप हल्के रहेंगे। तो देखें परमात्मा कहते क्या है, अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भवा। मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब वो आत्मा उत्तम मानी जाती है साधारण मनुष्य के सामने। संगम युग की मर्यादाएं ही पुरुषोत्तम बनाती हैं, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। संगम युग कौन सा, अभी का युग जिसमें हमारा परमात्मा से एवर प्योर एनर्जी से हमारा संगम हो रहा है, मिलन हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है, और जिससे हम बिछड़े हुए थे, जिस कारण से हमारे अंदर आदतें बुरी पड़ गई थी, हमारे बोलना उठना बैठना संबंध में आना है व्यवहार करना, ये सब कुछ अपवित्र हो चुका था। तो संगम युग का समय है जब हमारा संगम परमात्मा से होता है ताकि हमारे हाव भाव विचार और व्यवहार हमारे चेंज हो जाए, जिससे हमारा कैरेक्टर चेंज होता है। तमोगुणी वायुमंडल मतलब कि इम्प्योर वायुमंडल, इम्प्योर का मतलब ये नहीं कि कहीं पे बदबू आ रही है कचरा गिरा हुआ तो इम्प्योर हो गया, वो नहीं, ये बात हो रही है मानसिकता में अपवित्रता। तमोगुणी वायुमंडल वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन है मर्यादाएं। कि सुबह उठना अमृत वेला में अपने अंदर के जो पिछले दिन की फीलिंग्स हैं, पिछले दिन के जो बुरी फीलिंग्स हो या नेगेटिव अप्रोच हो या नेगेटिव भावनाएं हो, उनको क्लीन करना मेडिटेशन के द्वारा सुबह 4 बजे उठ करके। नहीं तो क्या होगा, अगर आप उन्हीं फीलिंग्स उन्हीं भावनाओं के साथ में आप पूरा दिन व्यतीत करोगे तो अगला दिन भी वैसा हो जाएगा आपका, ऊपर नीचे वाला, मूड ऑफ वाला। तो अमृत वेला उठना, अपने अंदर भावनाओं को क्लीन करना, अपने अंदर वॉश करना। जैसे क्या होता है, आप लैपटॉप जब खोलते तो क्या होता है, वायरस एंटीवायरस चलता है और साथ ही साथ आपका बूटिंग होती है लैपटॉप की, और फिर जब बूटिंग होती है तो उसमें क्या होता है, चेक होता है कोई वायरस तो नहीं है। तो वैसे ही हमें क्या करना चाहिए, लैपटॉप तो ऑन कर दिया, लैपटॉप तो हो गया ऑन और वो काम ठीक कर रहा है बिकॉज सारे सिस्टम्स ने उसको बूट किया। हमें भी अपने आप को सुबह बूट करना चाहिए। देखिए हम बूट क्या करते हैं, किससे, सुबह या तो चाय पी ली सुबह उठते उठते, या तो फिर न्यूज़पेपर उठा लिया, या तो व्हाट्सएप में चेक कर लिया कोई अच्छी न्यूज़ है कि बुरी न्यूज़ है, न्यूज़ क्या आ रही है, बिजनेस की न्यूज़ क्या है, वर्ल्ड की न्यूज़ क्या है, और उसमें कुछ नेगेटिव अगर देख लिया तो फिर पूरा दिन वैसे ही हो गया। परमात्मा कहते हैं सुबह उठो, पिछले दिन की जो भावनाएं उनको क्लीन करो, क्लियर करो मेडिटेशन के द्वारा, और फिर अपने आप को बूट करके आगे चलो। बूट करना कैसे, स्पिरिचुअल नॉलेज को पढ़ लेना। सुबह सुबह ही उठ करके मेडिटेशन करके स्पिरिचुअल नॉलेज को अगर आपने पढ़ लिया तो आपके अंदर जो गया वो उसने क्या किया, उसने आपके मन की सफाई करी और भावनाओं की सफाई करी। अब आप जो भी कार्य करोगे उसके अंदर आपको शक्ति महसूस होगी, हल्कापन महसूस होगा, एज कम्पेयर टू भारीपन, एज कम्पेयर टू बूट ऑफ, एज कम्पेयर टू आपका पिछले दिन का लैग जो आप लेके आ रहे हो अपने साथ में। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि संगम युग की मर्यादाएं ही पुरुषोत्तम बनाती हैं, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तमोगुणी वायुमंडल वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन यह मर्यादाएं हैं। अगर आप सुबह अमृत वेला उठे, आपने अपने आपको डिक्लटर किया, आप ऑफिस में गए, कोई सिचुएशन आई, इजी हैंडल कर लिया, एज कम्पेयर टू आप उठे और आप लेट उठे, आपने मेडिटेशन नहीं करी, आपने सीधा ब्रश किया, मुंह धोया, तैयार हुआ, टाई लगाई और निकले आप ऑफिस में वही मूड के साथ, वही भावनाओं के साथ। जैसे ही पहुंचे ऑफिस में आपके ऊपर डबल लोड पड़ गया, कोई सिचुएशन आ गई, बॉस ने कुछ गलत कह दिया, आप कोई मिस्टेक देख ली, या आपके बिजनेस में कोई घाटा हो गया और आप और इरिटेट हो गए। देखिए ये 2 सिचुएशन होती है, इसलिए अपने आपको बूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है सपोर्ट करके, बिकॉज आप भी एक सॉफ्टवेयर हो ना, आप हार्डवेयर के अंदर बैठे हुए हो, तो हम हार्डवेयर को तो हम देख लेते हैं, सॉफ्टवेयर की हम इतना ख्याल करते नहीं है। तो मर्यादाओं के अंदर रहने वाले मेहनत से बच जाते हैं, हर कदम के लिए बाप दादा द्वारा मर्यादाएं मिली हुई हैं, उसी प्रमाण कदम उठाने से स्वतः ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। कि उठना बैठना खाना पीना सोचना बोलना करना कर्म, इनमें हमें हर दिन गाइडेंस मिलती है ब्रह्म कुमारी में, जो आप भी ले सकते हो ताकि आपके कर्म खूटे ना, मतलब कि बुरे कर्म ना हो जिस कारण से आपको प्रॉब्लम ना हो भावनाओं में मानसिकता में। लोग डिप्रेशन में ज्यादातर इसलिए चले जाते हैं बिकॉज उनकी सोच उनकी इच्छाएं और उनकी भावनाएं और उनके कर्म बहुत मैले हो जाते हैं, इसलिए डिप्रेशन में जाता है। तो हमें अपने आप को चेक करना है कि हमारे अंदर कोई जो हमने कर्म किए हैं सुबह उठ करके उनको चेक करना है कि हमने कुछ गलत तो नहीं किया अभी तक। देखा जाए तो रात को ही देख लेना चाहिए हमें सोने से पहले, तो सुबह से लेकर के फिर रात आ गई, रात की बात करी तो रात को बैठे और देखा आज पूरे दिन में मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी के साथ बुरा तो नहीं किया, किसी को झूठ तो नहीं बोला, किसी के साथ में
दुर्व्यवहार तो नहीं किया, किसी का मन तो नहीं दिखाया, किसी से बद्दुआएं तो नहीं कमाई, एंड फिर माफी मांगा और परमात्मा से माफी मांगी और सो गए और सुबह हल्के उठे उठ गए। अमृत वेला, तो अमृत वेले के से रात तक मर्यादा पूर्वक जीवन हो तब कहेंगे पुरुषोत्तम, अर्थात साधारण पुरुषों से उत्तम आत्मा है। साधारण लोग क्या कर रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं, उठते ही सीधा नहाया खाया पिया, चिड़चिड़े उठे, फ्रस्ट्रेटेड उठे और भागा दौड़ी में टाई लगाई और भाग के ऑफिस पहुंच गए, वो नहीं। वैसे पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन अगर आप कुछ अलग करते हैं तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जाते हैं, जिससे आपका जीवन सफल होता है और आज आप जो सोचते हैं आप वो आप पा लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, इतनी ताकत आती है आपके अंदर। क्यों? क्योंकि आप देखिए आपका लैपटॉप, अगर उसको उसके अंदर एंटीवायरस ठीक चल रहा है, बूटिंग ठीक चल रही है, तो आपके सारे काम फटाफट हो जाएंगे सारे, आप जो करना चाहते थे वो आप पा लेंगे। उसी तरीके से अगर आपका मन भी एंटीवायरस है, मन भी आपका क्वारंटाइंड है, मन के अंदर आपके अंदर विघन नहीं है, उलझने नहीं है, तो फिर आपका कार्य पूरा दिन कैसा होगा, बिल्कुल स्मूथ जाएगा, सारे प्रोग्राम सारे सॉफ्टवेयर ठीक काम करेंगे और कार्य सारा काम हो जाएगा। आइए सीखिए ब्रह्म कुमारी में यही विद्या दी जाती है आपको कि अपने मन रूपी सॉफ्टवेयर को कैसे क्लीन करें। इसके साथ ओम शांति।